हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पर अल्लाह सुबहानहू तआला से बातें की तो कहने लगे, परवरदिगार मुझे अपना अदल व इंसाफ दिखा। अल्लाह सुबहानहू तआला ने फरमाया, फला चश्मे पर जा और उसके पीछे छुप जा, फिर मेरी कुदरत और इंसाफ देख। मूसा अलैहिस्सलाम गए और टीले पर जो चश्मे के सामने था छुप कर बैठ गए। चश्मे पर एक घुड़सवार आया, घोड़े से उतरा, हाथ मुंह धोया, पानी पिया और कमर से म्यानी खोली जिसमें 1000 दिनार थे, नमाज पढ़कर चल दिया और म्यानी वहीं भूल गया। फिर एक छोटा सा बच्चा चश्मे किनारे आया, उसने पानी पिया और म्यानी उठाकर चलता बना। उसके बाद एक अंधा आया, उसने वजू किया और नमाज पढ़ने लगा। छह सवार को अपनी म्यानी याद आई और वह फौरन चश्मे की तरफ लौटा। अंधे को देखा तो उसको शक हो गया कि मैं यहाँ अपनी म्यानी भूल गया था और जिसमें 1000 दिनार थे, तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आया। अंधा बोला, आप जानते हैं मैं अंधा हूँ, म्यानी को कैसे देख पाता। शहसवार ये बात सुनकर आपे से बाहर हो गया, तलवार उठा ली और उसका कत्ल कर दिया। म्यानी ढूंढ तो न पाया, लिहाजा अपनी राह ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सबर न हो सका, कहने लगे, ए परवरदिगार तू आदिल है, मुझे बता ये क्या हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ए मूसा, वह बच्चा जो म्यानी ले गया वह अपना हक ले गया। बात यह है कि उस बच्चे का बाप इस शह सवार का मुलाजिम था, वह मर गया तो उसने तनख्वाह न दी, बच्चा अपने बाप की मजदूरी के मुताबिक रकम ले गया। रहा अंधा, सो उसने अंधा होने से पहले शह सवार के बाप का कत्ल किया था, लिहाजा हकदार को उसका हक मिल गया। आप देख रहे हैं HD24।